कंपटीशन कम्युनिटी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे कोरकू, मंझवार और भील जनजाति के बारे में। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम कोरकू जनजाति से। कोरकू जनजाति के लोग जो हैं वो अपनी उत्पत्ति रावण से मानते हैं और सृष्टि के रचयिता महादेव को बोलते हैं। इनके पूर्वजों द्वारा जो गाथा सुनाई जा रही है उसके हिसाब से ऐसा कहा जाता है कि एक टाइम क्या हुआ कि रावण जो है वो वन विहार करते हुए विंध्याचल और सतपुरा के पहाड़ियों में विचरण कर रहा था। उसने देखा कि इस जंगल में एक भी मनुष्य नहीं है, तो उसने अपने इष्ट देवता महादेव से प्रार्थना की कि इस जंगल में मानव की रचना की जाए। तो महादेव ने क्या किया कि जो मिट्टी के पुरुष और स्त्री थे उसमें उन्होंने जान डाल दी। तो वो जो पुरुष था उसका नाम रखा गया मूला और जो स्त्री थी उसका नाम था मुलई। इस प्रकार ये कोरकू जनजाति के पूर्वज हुए। तो देखिए, अभी मैंने आप लोगों को तीन बातें बताई कि कोरकू जनजाति के लोग अपनी उत्पत्ति किससे मानते हैं, रावण से मानते हैं। क्यों? क्योंकि वो मेन रीजन था इनकी उत्पत्ति का। दूसरा कि ये लोग सृष्टि के रचयिता किसे मानते हैं, महादेव को मानते हैं। और इनके पूर्वज कौन है, इनके पूर्वज है मूला और मुलई। ये जो मूला और मुलई थे ये विंध्याचल और सतपुरा के पर्वत में जड़े खोदने या कोरने का कार्य करते थे। इसलिए जो कोरकू जनजाति का कार्य है वो क्या है, जमीन खोदने का कार्य है। इन्हें अरंधा भी कहा जाता है। अभी हमने बात की इसकी उत्पत्ति की, अब हम बात करते हैं इनके निवास स्थान की। तो ये जो कोलियारिन या मुंडा समूह की जनजाति है ये स्पेशली मध्य प्रदेश में निवास करती है। मध्य प्रदेश की आदिम जनजाति है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में इनकी जनसंख्या बहुत कम है, बहुत कम क्षेत्रों में ये निवास करती है। छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ निवास करती है, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, बिलासपुर और रायगढ़। तो ये नॉर्थ छत्तीसगढ़ का एरिया है। जैसे कि सरगुजा संभाग में देखें तो ये कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, रायगढ़ और बिलासपुर। ठीक है, तो ये पूरा एरिया जो है इस क्षेत्र में कौन निवास करता है, कोरकू जनजाति के लोग निवास करते हैं। ये कोरकू जनजाति जो है वो चार अंतर्विवाही उपसमूहों में बटी हुई है। कौन कौन से समूह है देखिए, रूपा, पोतड़िया, ढलरिया और बोआई। आगे हम बात करते हैं इनके भाषा और बोली की, तो ये लोग कोरकू बोली बोलते हैं। अब हम बात करेंगे इनके जीवन शैली की, तो कोरकू जनजाति के लोग जंगल में किसी खूबसूरत से स्थान में रहना पसंद करते हैं। वहाँ ये लोग अपना घर बनाते हैं और घर के बाहर जो है पूरी बांस की बाड़ी लगाते हैं। इनके अर्थव्यवस्था की बात करें तो इस जनजाति के लोग कृषि, आखेट, पशुपालन, मत्स्य पालन और वनों पर संग्रहण करते हैं। इस जनजाति के लोग जो हैं वो काष्ठ कला में बहुत ही ज़्यादा समृद्ध हैं। यदि इनके काष्ठ कला की बात करें तो काष्ठ कला का जितना उत्कृष्ट पारंपरिक और कलात्मक कार्य इस जनजाति के लोग करते हैं उतना किसी भी अन्य जनजाति के लोग नहीं करते। इनके द्वारा जो निर्माण किया गया घोटुल के स्तंभ होते हैं या मृतक स्तंभ होता है या फिर कास्ट की मूर्तियां होती है, वो सभी कास्ट कला सौंदर्य की अद्वितीय उदाहरण है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इनके सामाजिक जीवन की। तो इनका समाज क्या होता है, पितृसत्तात्मक होता है, इस प्रकार जो कि टोटम पर आधारित होता है। ठीक है, इनके समाज में विवाह की बात करें तो कौन कौन सा विवाह होता है, क्रय विवाह, लमसेना विवाह, पोटा विवाह। पोटा विवाह क्या होता है, जब कोई स्त्री अपने पति से ज़्यादा संपन्न व्यक्ति के साथ जाना चाहे तो वो जा सकती है। ठीक है, विधवा विवाह, स्त्री पुनर्विवाह, ये सभी प्रकार के विवाह जो है इस जनजाति में प्रचलित है। मृतक संस्कार में इनमें सिडौली प्रथा होता है। सिडौली प्रथा क्या होता है कि मृतक को दफनाया जाता है और उसकी याद में क्या किया जाता है, मृतक स्तंभ गाड़ा जाता है वहाँ पर। ठीक, आगे हम बात करते हैं इनके धार्मिक जीवन के। तो इनके जो आराध्य देव हैं वो कौन है, महादेव और चंद्रमा। इसके अलावा ये जो हैं डोंगर देव, सिंगरी देव और भटुआ देव को मानते हैं। आगे हम बात करते हैं इनके नृत्य, त्यौहार या मनोरंजन की। तो इनके जो भी कला के साथ साथ इनके जो नृत्य और त्यौहार होते हैं वो किसी ना किसी पर्व या फिर मिथक से जुड़े होते हैं। ये सभी हिंदू फेस्टिवल मनाते हैं, जैसे कि गुड़ी पड़वा हो गया, दिवाली हो गया, दशहरा हो गया, तीज हो गया, ये सारे हिंदू फेस्टिवल मनाते हैं। नृत्य की बात करें तो ये लोग चैत्र बैसाख के माह में थापटी करते हैं, आषाढ़ के महीने में ढांडल नृत्य करते हैं। इसके अतिरिक्त ये दशहरा, चाचरी और गुंगलिया नृत्य करते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इनके लोक नाट्य की। तो ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है
ये लोग कोरकू जनजाति के लोग खम्ब सुवांग लोक नाट्य करते हैं। ये जो लोक नाट्य है, ये जो नाटक है, ये पौराणिक कथा पर आधारित होता है और ये खम्भे के आसपास ये प्रहसन किया जाता है। ठीक है, जब मैं आप लोग को लोक नाट्य एक्सप्लेन करूंगी तब मैं आप लोग को खम्ब सुवांग के बारे में बताऊंगी कि एक्चुअली ये होता क्या है, कैसे ये लोक नाट्य जो है प्रदर्शित किया जाता है। कोरकू जनजाति से रिलेटेड यदि CGPSC में देखें तो किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जमीन खोदने वाली कौन सी जनजाति है, किस जनजाति को अरंधा भी कहा जाता है, ढांढल नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, इस जनजाति के लोगों का जो लोक नाट्य है वो कौन सा है। तो इस प्रकार से इनकी संस्कृति से रिलेटेड या इनके निवास स्थान से रिलेटेड क्वेश्चन किया जा सकता है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं भील जनजाति। भील जनजाति की उत्पत्ति को लेकर बहुत सारे मत हैं, लेकिन कोई भी वैज्ञानिक और ऐतिहासिक शोध इसके नहीं मिले हैं। एक मत के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि ये जो भील शब्द है ये द्रविड़ भाषा का शब्द है जो कि वील शब्द से बना हुआ है और वील का अर्थ होता है तीर या कमान। चूंकि इस जनजाति के लोग धनुर्विद्या में निपुण है, इस जनजाति का जो मुख्य अस्त्र है वो क्या है, तीर कमान है, इसलिए इस जनजाति के लोगों को क्या कहा जाता है, भील कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस जनजाति के लोग अंधेरे में भी अचूक निशाना लगा सकते हैं। ठीक है, यदि आगे हम इनके निवास की बात करें तो ये भारत में स्पेशली राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में निवास करते हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें तो ये कहाँ निवास करते हैं, बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग। मतलब कि ये मैदानी एरिया हो गया, ये जो आपका बिलासपुर है, ये फिर ये आपका रायपुर है और यहाँ पर है दुर्ग। इस क्षेत्र में निवास करते हैं भील जनजाति के लोग। आगे हम बात करते हैं इनके उपसमूहों की, तो ये जो जनजाति है ये दो उपसमूहों में विभाजित है, जिसमें पहला है उजलिया भील और दूसरा है लंगोट भील। आइए हम उजलिया भील के बारे में जानते हैं। ये जो जनजाति है कि स्पेशली मालवा क्षेत्र में निवास करती है। ऐसा कहा जाता है इसके जो रीति रिवाज हैं वो पूरे के पूरे राजपूतों की तरह हैं। ना ये भीली भाषा बोलते हैं और ना ही इनमें वधू मूल्य की परंपरा है। ऐसा कहा जाता है कि जो मुगल आक्रमण हुआ था तो इस जनजाति के लोग कहाँ चले गए, जंगलों में चले गए, जंगलों में निवास करने लगे और जो मूल भील जनजाति है उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित करके खुद को उजलिया भील कहने लगे। उसी प्रकार हम लंगोट भील की बात करें तो ये स्पेशली MP के निमाड़ क्षेत्र में निवास करती है। ये जो जनजाति है ये मूल भील जनजाति है, ये भीली भाषा बोलते हैं, इनमें वधु मूल्य की परंपरा है और ये वनों में भी निवास करते हैं। ये जो भील जनजाति है ये मुख्य रूप से एक योद्धा जनजाति के रूप में जानी जाती है। जो महाराणा प्रताप जी हैं उनकी सेना में सबसे इम्पोर्टेंट जो योद्धा थे वो थे भीलू राणा। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी ऐसी भील जनजाति थी जिनके मदद से उन्होंने बहुत सारे वर्षों तक मुगलों के आक्रमण का सामना किया। जो महाराणा प्रताप जी हैं वो इस जनजाति के लोगों के अंगूठे के खून से ही अपना राज तिलक लगाते थे और जो मेवाड़ों का राज चिन्ह था उसमें एक तरफ राजपूत अंकित होते थे तो दूसरी तरफ भीलू राणा अंकित होते थे। महाभारत काल में भीलों को जहाँ निषाद कहा गया वहीं कर्नल जेम्स में इन्हें वन पुत्र कहा और तालिनी ने इन्हें क्या कहा, किलाइट कहा। आगे हम बात करते हैं इनके इनकी भाषा या बोली की, तो इस जनजाति के लोग मेवाड़ी, भीली और वागड़ी भाषा बोलते हैं। आगे हम बात करते हैं इनके जीवन शैली की, तो ये लोग संयुक्त परिवार में रहना पसंद करते हैं। इनका जो घर होता है उनकी दीवारों पर ये चित्रकारी करते हैं। इस चित्रकला को क्या कहा जाता है, पिथौरा कहा जाता है। आगे हम बात करते हैं इनके सामाजिक जीवन की, तो इनका जो समाज होता है वो क्या होता है, पितृसत्तात्मक होता है, पिता की सत्ता होती है, पिता का वंश होता है। अब हम बात करेंगे इनके धार्मिक जीवन के, तो इनके जो आराध्य देव हैं वो कौन कौन से हैं, देखिए भराड़ी देव हैं, विश्ववंती देव हैं, काला बाव जी हैं। इस जनजाति के लोग जो हैं वो वचन के पक्के होते हैं और एक बार यदि इन्होंने वचन कर दिया तो वो उसे निभाते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट मंझवार जनजाति। मंझवार जनजाति, सबसे पहले हम इनके निवास स्थान की बात कर लेते हैं, तो छत्तीसगढ़ में देखिए कहाँ निवास करते हैं, सरगुजा, रायगढ़ और कोरबा। मतलब कि छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्र में निवास करते हैं। कहाँ कहाँ, सरगुजा, रायगढ़ और कोरबा। इस क्षेत्र में कौन सी जनजाति निवास करती है, मंझवार जनजाति। ठीक है, तो इस प्रकार से देखो कोरकू जनजाति कहाँ है, नॉर्दर्न एरिया में है, बीच में मैदानी एरिया में मंझवार जनजाति है और ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो बेल्ट है, यहाँ पर कौन सी जनजाति निवास करती है, भील जनजाति निवास करती है। ठीक,
जो मंझवार जनजाति है इसे मांझी या मांझिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मांझी या मांझिया। ये जो जनजाति है एक मिश्रित जनजाति है जो कि मंझवार मतलब कि माँ से मुंडा गोंड और वार का क्या होगा कवर जनजाति के सम्मिश्रण से बनी हुई है। मांझी का अर्थ क्या होता है? मांझी का अर्थ होता है मुखिया, अर्थात जाति पंचायत के मध्य में बैठने के कारण इन्हें क्या कहा गया? मंझवार कहा गया। ठीक है, मध्य में बैठने के कारण क्या कहा गया? मंझवार कहा गया। एक्चुअली ये जो जनजाति है ये इसकी जो उत्पत्ति है वो मांझी जनजाति से हुई है और कालांतर में क्या हुआ कि ये दोनों जनजाति जो है पृथक हो गई। तो दोस्तों ये है मांझी जनजाति के बारे में छोटी सी जानकारी। CGPSC में इससे जनरली क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। यदि पूछा जाएगा तो बस ये पूछ सकता है कि इनका जो निवास स्थान है वो कहाँ है, ये कहाँ निवास करते हैं, ये कौन कौन सी जनजाति के सम्मिश्रण से बनी हुई है, इस प्रकार से छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ अन्य जनजातियों के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में बहुत ही ज़्यादा रेयरली पूछा जा सकता है, हम उस जनजाति के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।